हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी तरीके से मिल जाए। तो बस मैं अपना ब्लॉग यहाँ से अब स्टार्ट करूँगी। और अब बस मैं जा रही हूँ यहाँ से किचन में, तो बस मुझे नाश्ता बनाना है और खाना बनाना है और परी को तैयार करना है और रूम क्लीन वगैरह मैं करूँगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली का मेरा यही रूटीन रहता है, लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ स्पेशल शेयर करने जा रही हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ अपनी फैमिली के बारे में बताऊंगी कि मेरी फैमिली में कितने लोग हैं और हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली है या फिर हम लोग अलग अलग रहते हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस मैं जल्दी से जा रही हूँ, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ और फिर मैं फ्री होकर आपके साथ बातें करूँगी, बहुत ढेर सारी बातें। जब तक के लिए थोड़ा सा बस इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर मैं मिलती हूँ अभी आप। तो गाइस, बस मैं किचन में आने के बाद मैंने कहा जल्दी जल्दी मटर मैं छील लेती हूँ, तो बस मैंने यहाँ मटर निकाल ली थी और मटर को मैं छील रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आज बनाने वाली हूँ मटर और आलू को हल्का सा फ्राई करके हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक में, तो उसे हम नाश्ते में यूज़ करेंगे, मटर आलू। और इसके बाद फिर मैं बनाऊँगी सब्जी और परी की दलिया और रोटी वगैरह। तो बस मैं अभी इसकी तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी सुबह का नाश्ता और रूटीन जो होता है सुबह डेली हम लोगों का। तो बस जल्दी से मैं मटर छील लेती हूँ। ठंडियों में तो मटर मतलब बहुत अच्छी लगती है, और मटर तो वैसे हर टाइम भी अच्छी लगती है, लेकिन ठंड में क्या है कि मटर मिल जाती है अच्छी तरीके से, और अच्छी मटर मिलती है ठंड के दिनों में। तो गाइस, मैंने यहाँ पर देखिए कढ़ाई रख दी थी और इसमें मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड किया था, और यहाँ पर देखिए सरसों का तेल हमारा गर्म हो गया था, तो मैंने यहाँ पर एक चम्मच जीरा डाल दिया था और उसके मैंने थोड़ा सा लहसुन कूट के डाल दिया था और 3 से 4 हरी मिर्च डाल दी थी बस। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पतले पतले आलू के पीस कट किए थे, और जैसे ही मेरा वो थोड़ा सा लहसुन और मिर्च हो गया था, तो बस मैंने इसमें मटर और पतले पतले आलू के पीस रखे थे काट के, उसे सबको मैंने इसमें ऐड कर दिया। और बस मैंने इसमें आधा चम्मच करीबन मैंने इसमें नमक ऐड किया है, ओनली, कुछ भी नहीं इधर किया बाकी, मतलब बस मैंने इसको ढक दिया है नमक ऐड करने के बाद, बस इतना ही मैंने इसमें डाला है। और ये हमारी नाश्ते की जो मटर है वो बनकर अभी तैयार होने वाली है, तो बस मैं इसे अब कंप्लीट मतलब चलाकर अच्छी तरह से इसे ढक कर रख दूँगी। साथ ही साथ मैंने यहाँ साइड में परी की दलिया भी बनाती जा रही थी मैं, तो मैंने परी की दलिया कुकर में मैंने कहा बना के रख देती हूँ, तो मैंने तेल ऐड कर दिया था और फिर मैंने मूँग की दाल और दलिया दोनों चीज़ निकाल के रख ली थी। और उसके बाद थोड़ा सा लहसुन ऐड करती हूँ मैं उसकी दलिया में, लहसुन डालने के बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और उसके बाद बस दलिया में मतलब मूँग की दाल और जो दलिया होती ना उसे अच्छा सा डाल के मतलब इसमें थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें टमाटर एक ऐड कर देती हूँ और थोड़ा सा नमक, बस इतना ही डालकर मैं परी की दलिया तैयार कर देती हूँ। और जैसे ही देखिए ये दलिया भुन जाएगी, भुनने के बाद फिर मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और टमाटर ऐड कर दूँगी, और इसमें फिर मैं पानी डाल दूँगी जितना हमें चाहिए, और उसके बाद मैं इसका ढक्कन बंद कर दूँगी। और हमारी परी की दलिया भी यहाँ पर देखिए बनकर रेडी हो रही है, और एक साइड में हमारा नाश्ता भी बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो मटर थी वो तैयार हो गई है, तो ये देखिए मटर इस तरह से हमने इसको बना दिया है। अब सब लोग यहाँ पर मटर का जो नाश्ता है वो करने वाले हैं, तो बस मैंने बना के फटाफट गरम गरम सबके लिए मटर निकाल दी थी। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए मेरा नाश्ता रेडी हो गया है, ये देखिए गाजर का हलवा और मटर, और मेरी जो चाय है वो अभी पक रही है, बस मैं चाय लेके जा रही हूँ, तो मैं नाश्ता करूँगी और सभी को मैंने नाश्ता दे दिया है। तो हाय गाइस, यहाँ पर देखिए मैं नाश्ता करने आ गई हूँ, और नाश्ता बस करते करते मैं परी के पापा से कुछ बातें भी करती जा रही थी। तो देखिए यहाँ पर मैं नाश्ता कर रही हूँ और मूवी भी थोड़ा थोड़ा देख रही थी। कोई मसाला नहीं रहता इसमें, थोड़ा सा ऑयल बस ऐड करना होता है और जीरा और थोड़े से आलू, नमक बस, थोड़ी सी हरी मिर्च, इतना शादी के पहले ना मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ज़्यादा। मैंने कैसे दी तुम्हें? पेन ड्राइव में भाग के दी थी ना। तो बस मैं यहाँ पर नाश्ता कर ही रही थी और मैंने सोचा थोड़ी सी बात वगैरह भी कर ली जाए, उसके बाद मेरा यहाँ पर नाश्ता फिनिश हो गया, मैं जा रही हूँ खाना बनाने, जल्दी से मैं तैयार कर लेती हूँ खाना।
तो गाइज यहाँ पर फिर मैं खाना बनाने के लिए आ गई थी किचन में, तो मैंने फटाफट रोटियाँ बना ली। तो ये देखिए यहाँ पर मतलब मेरी आदत है कि जब मैं रोटियाँ बनाती हूँ ना, तो पहले से ही रोटी बनाने के लिए जो लोई होती है ना, वो एक साइज़ के बराबर से काट के रख लेती हूँ हाथ से तोड़ के, और बस उसकी रोटियाँ मैं जल्दी जल्दी बनाती जाती हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पर रोटियाँ बनाने लगी थी, और मैंने कहा रोटी बनाने के बाद मम्मी ने सब्ज़ी बनाई थी आज, तो बस मैंने रोटी बना दिया था, नाश्ता और परी की दलिया। फिर मम्मी ने बोला कि सब्जी जो है वो मम्मी बना लेती हैं, क्योंकि मम्मी के हाथ की भी सब्जी कभी कभी खाने का मन करता है। फ्रेंड्स तो अभी अभी मतलब जो शाम का काम था मेरा, वो सब मैंने कर लिया था, और अभी मैं रूम में आई हूँ और खाना वगैरह भी बना दिया, सब लोगों ने खा लिया है। और परी जो है वो अपनी दादी के पास लेटी हुई है, और सोई सोई करा दो बस बोल रही है, चंदा मामा वगैरह दादी सुनाती हैं तो वो सो जाती है लगभग मम्मी के पास, और उसके चाचा और पापा वगैरह भी आके बैठे रूम में बात कर रहे हैं। तो मैं रूम में थी तो मैंने सोचा कि आपसे 2 मिनट बात कर ली जाए, क्योंकि आज मैंने आपसे जैसा बोला था कि आज मैं अपनी फैमिली के बारे में आपको बताऊंगी। तो जी हाँ, मेरी फैमिली में मैं हूँ सबसे बड़ी बहू अपने घर में, और मम्मी हैं और परी के पापा हैं। इसके बाद मतलब मेरे 2 देवर हैं छोटे, मतलब इनसे 2 भाई छोटे हैं बस, यानी कि 3 भाई, मम्मी और मैं और मेरी परी, बस हम लोग इतने लोग का परिवार है यहाँ पर। और मेरे घर में एक जिमी है जिसको मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, और मतलब मम्मी का जहाँ घर है, ये जो मेरा ससुराल है, यहाँ पर मतलब मेरा अकेले का घर नहीं है, यहाँ पर मम्मी का फैमिली रहता है, मतलब कि मम्मी की देवरानी जेठानी यहाँ पर रहती हैं इस पूरे परिवार में। और यहाँ पर एक मतलब बहुत बड़ा आंगन है, उसके चारों तरफ घर बने हुए हैं, वो मम्मी का फैमिली है, जैसे कि मम्मी की जेठानी है और मम्मी की देवरानी रहती हैं, क्योंकि मम्मी बीच वाली बहू हैं तो उनका फैमिली सबका यहाँ पर रहता है, और उनकी बहुएं हैं और उनकी भी मतलब बेटियाँ हैं। तो मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया भी था, चली एक लड़की है जिसको मैंने आपको वीडियो में बताया था, वो मेरी मतलब जेठानी की लड़की लगती है, क्योंकि मम्मी की जो जेठानी है, जो उनकी बहू की लड़की है, वो भी मेरी मतलब यहाँ पर जेठानी लगती है, तो वो उनकी बेटी थी, वो मैंने आपके साथ यहाँ पर बताया था आपको वीडियो में। तो मतलब हम लोगों का बहुत बड़ा फैमिली तो है, लेकिन हमारी फैमिली में सिंगल मतलब अभी हम लोग बस 5 से 6 लोग हैं, और उस तरह से अगर हम देखते हैं मम्मी की फैमिली को मिलाकर तो बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली है, कम से कम 26 मेंबर हैं पूरे बड़ी फैमिली में यहाँ पर, वो भी मतलब सब अलग अलग रहते हैं और सबका खाना वगैरह अलग बनता है, और वो मम्मी का फैमिली है। लेकिन जो मेरा फैमिली है उसमें ओनली 3 भाई हैं और सबसे बड़ी मैं हूँ, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। और आप बताइएगा कमेंट करके कि मेरी फैमिली आपको कैसी लगी है, और अगर आपको मेरी फैमिली पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा कि आपको मेरी फैमिली कैसी लगी है। कोई अलग नहीं रहता है, सब लोग एक साथ ही रहते हैं, और अभी मेरी देवरानी तो आई नहीं है, और अभी तो बस मैं अकेली हूँ बहू में। तो बस मैं आपको ये बताना चाह रही थी आज की अपनी फैमिली के बारे में, तो मतलब आप लोगों के साथ मैंने सोचा कि मैं शेयर करूँ ये। और बस अब मैं अपना ब्लॉग यहाँ पर एंड करूँगी, और अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग यहाँ पर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं मिलती हूँ कल यानी कि आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।